खा रहे हो? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे। मैं श्वेता आप सभी को हमारे चैनल मायरा एंड मी में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे हो। तो जस्ट अभी ऐसे ही घर में मैं घूम रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं। मायरा भी सोई है, ये भी सोए हैं। जस्ट उठ के ऐसे ही घूम रही हूँ इधर उधर। तो थोड़ा सा अभी चाय बैठाई हूँ, तो थोड़ा चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। थोड़ा नीचे जाना है सामान लेके, मैं आऊँगी क्योंकि मिल्क ख़त्म हो गया है। क्योंकि मायरा उठने के बाद उसको मिल्क चाहिए होता है, वो मायरा मिल्क पी, तो इसलिए मुझे मिल्क लाने जाना होगा। और कुछ बिस्किट विस्किट ख़त्म हो गया है उसका, तो वो सब भी लेके आ जाऊँगी। तो बस अभी जा रही हूँ, लेके आऊँगी। पहले चाय ख़त्म करती हूँ अपना, फिर जाऊँगी थोड़ा नीचे लेके सामान लाना है मुझे। तो चलिए, मेरा चाय भी हो गया ऑलमोस्ट। फिर कैसे हो? ठीक हो क्या? हुआ था थोड़ा सा फॉरेन से बात में ब्लॉग एक साल फिर किंगडम इंस्टाग्राम फिर सो फिर। तो हम अभी पुराने घर जा रहे हैं अपना, जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो वो आई थी हमारे घर मिलने के लिए, वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड रहती है, तो उनकी छोटी बेबी थी। तो मायरा बहुत रो रही थी कि नहीं उनके पास जाना है, आरू के पास जाना है, खेलना है मेरे को। तो वही हम बोले कि नहीं चलो, तो उसको हम लेके जा रहे हैं। तो ये हमें ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो ये हमारा पुराना घर, बहुत यादें हैं इस घर से। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बैंगलोर आई थी तो इसी घर में आई थी, और मायरा भी जब हुई थी उड़ीसा में, तो जब मैं उसको फ़र्स्ट टाइम लेके आई तो हम इसी घर में आए थे। तो 5 साल इस घर में हम थे, और अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है कि हमने अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो बहुत यादें हैं इस घर से। यहाँ पे भी मायरा का फिर से खातिरदारी शुरू। उनकी बेटी देख रही है कि अरे मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये है प्रीति दी, आदि और आरू। और भैया का मीटिंग चल रहा था तो वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे। और यहाँ भी मायरा बहुत खुश, और ये बहुत जल्दी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनका घर पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो गया है। और आरू को वैक्सीन लगा था इसलिए आज थोड़ी सी शांत है। उस दिन हमारे घर जब आई थी तो बहुत अच्छे से खेल रही थी। छोटा वाला नहीं खाना, ये सब क्या है? ठंडा होगा आपको उसको ना, इतना थोड़ा देकर उसमें पानी मिला ले। हाँ, उसको कम हाफ कर दीजिए। हाँ हाँ, समयरा शेयरिंग। अभी खातिरदारी स्टार्ट। तुम जैसे नीचे उतर रहे थे तो देखिए ये बिल्ली वो स्कूटी में बैठी और ऐसे लुक दे रही थी कि क्या बोले। जब लास्ट ईयर हम इस घर को जब छोड़े थे तो ये छोटी थी, अभी बड़ी हो गई और बहुत डर लग रहा था इसको देख के। तो अभी हम कुछ लाए नहीं थे एक्चुअली, तुरंत आगे इनका मीटिंग था तो ये हमें ड्रॉप करके चले गए। तुम कुछ लिए नहीं थे, तुम लेने के लिए नीचे उतरे। तो मुझे याद है ये जो शॉप लगता था रोड साइड में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है, इनके पास डब्बे वब्बे बहुत अच्छे मिलते थे। तो हम वही गए, सिप्टिपिन वो सब ख़त्म हो गया था, तो इनके पास अच्छे खासे सिप्टिपिन बैंगल्स वैंगल्स सब रहते हैं। तो हम सिप्टिपिन लेके आए, एक और शॉप में आए थे तो वहाँ भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, कप का टॉयज वॉइस थे, एंड बैंगल्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था। और जैसे अभी सावन आने वाला है तो बैंगल्स तो मस्ट है, ग्रीन बैंगल्स, तो ये सब सब बहुत अच्छे कलेक्शंस रखे थे। तो जल्दी जल्दी में हम और कुछ बैंगल्स लिए नहीं है, नेक्स्ट टाइम और एक बार जाऊंगी और लूंगी बैंगल्स। बहुत अच्छे कलेक्शन रखे हैं उस शॉप में।
और कुछ टॉयज भी आए हैं कारवार। ये दुपट्टा तो मैं लाई, तो बोलते नहीं कि बहुत दिनों के बाद अपने पुराने जगह में आने के बाद शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये हमें छोड़ के चले गए थे, तो मायरा को उनके घर में छोड़ के कुछ लेके नहीं आए थे उनके लिए, तो हम लेके आने के लिए गए थे। तो कुछ लाएंगे कि हम खुद का ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे मायरा दादी माँ बनी हुई, एक्चुअली एक बच्ची को चोट लग गया नाक में, तो बताती हुई उसके पेरेंट्स को कि कैसे चोट लगा क्या, और आके फिर हमें भी बताएगी। लग गया तो आपने देखा नहीं उसको? बस तुमने क्या मिल्क पियो चुप से। हम बस को लेके जाएंगे, स्कूल लेके जाएंगे। स्कूल से तुमको यही बस पे स्कूल भेजेंगे? रुको, यही बस पे तुम स्कूल जाएगा, तुम यही बस पे स्कूल जाएगा। चलो देखो अच्छा कौन फर्स्ट होगा, देखे कौन फर्स्ट होगा, आदि फर्स्ट होगा कि समायरा फर्स्ट होगी। देव के घर हम आके पहुँचे तो वो बताने लगा कि हम आपका वीडियो देखते हैं, सब देखते हैं, जो मायरा ने पेंटिंग किया था वो सब भी देखते हो। तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था बैकग्राउंड में क्योंकि मायरा और वो दोनों चिल्ला रहे थे, तो उसका बात कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्लियरली नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर दी। यहाँ आदि को चोट लग गया तो वो आदि को समझाते हुए कि नहीं मत रो, तो सच में मायरा तो दादी माँ ही है। कोई नहीं कोई नहीं, आदि और एक बार पूछना, टाइगर कैसे करते हैं? आंटी वो आंटी है। डॉग कैसे करते हैं? डॉग 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 कैसे करते हैं? डॉग डॉग लेती है। आरू डॉग कैसे करते हैं? आरू आंटी आंटी डॉगी कैसे करते हैं? ऑलरेडी उनके घर से चाय और मिक्सचर खा के आए थे, और यहाँ प्रीतिदी ने फिर इतना सारा स्नैक्स दे दिया, पनीर पकौड़ा प्याजी, तो खा के पूरा बहुत अच्छा भी बना था। तो जब भी जाते हैं तो उनके घर में होता है कि या तो हम आंटी के घर जाए या प्रीतिदी के घर जाए, सब बोलते हैं खाना खा के जाओ खाना खा के जाओ। और अभी हम घर वापस आ रहे हैं, हम घर आके पहुँच गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद वहाँ गए थे तो सब देख के बोल रहे हैं, अरे बहुत दिन के बाद आए हो, अच्छा लगा, क्यों नहीं आते हो आप सब? हमें बोले कि अरे कोरोना था, फिर हम यहाँ भी थे नहीं, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लास्ट सैटरडे आई थी हमारे घर, उनका भी घर पूजा है, तो हम उनके घर गए। फिर और नीचे भी हम जो फ्लोर जिस फ्लोर में हम रहते थे उस फ्लोर में भी समायरा के बहुत सारे फ्रेंड थे, उनके घर में तो मैं छोड़ के मार्केट भी चली जाती थी आयुष और देव के घर में। हाँ, तो अच्छा तो लगा उनसे मिलके। समायरा तो पूरा उनको मतलब जैसे लगा कि समायरा भूली नहीं है, याद है उनको, तो मिली, बहुत अच्छा लगा। साके पहुँचे और वो बहुत खिला दिए हैं, वो पकौड़ी वकौड़ी बनाए थे, फिर चाय मिक्सचर, वो सब खा के पेट पूरा भर गया है। डर तो मेरा कुछ नहीं है,
ये इनके लिए बना के गई थी, बस रोटी बनाऊंगी बस और कुछ नहीं। तो अब मायरा चलो चलो एंड कर देती, आ जाओ आ जाओ। हाँ मायरा खाना खाएगी, मायरा का राइस और सब्जी रखा हुआ है तो मायरा राइस एंड सब्जी खाएगी। तो होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।